Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 58 पार्ट पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ राइटिंग के बारे में. सो बेसिकली ऑर्डर ऑफ राइटिंग का मतलब है कौन सी राइटिंग पहले लिखी हुई है, कौन सी राइटिंग को बाद में लिखा गया है, कुछ अगर एड ऑन किया गया है, कुछ अगर चेंजेस करे गए हैं तो उसमें सीक्वेंस क्या है राइटिंग का, वो चीज़ पता करने के बारे में आज हम जानने वाले हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, सो बेसिकली इसमें होता क्या है, समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू फाइंड आउट इफ सम फ्रॉडुलेंट एडिशन हैज़ बीन मेड टू द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट. द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक्स इज स्टडीड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ राइटिंग. द ऑर्डर ऑफ राइटिंग मे ऑर्डिनरली बी डिटरमाइंड ओनली व्हेन टू पोर्शंस ऑफ राइटिंग ओवरलैप विद लाइन्स क्रॉसिंग एट वन और मोर पॉइंट्स. सो बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ रहती है कि अगर किसी ने किसी ओरिजिनल टेक्स्ट में, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में कुछ एड ऑन किया है और वहाँ पर जो एडिशन किया गया है, तो उस टाइम पर जो स्ट्रोक्स के सीक्वेंस होते हैं उसको स्टडी करके पता किया जाता है कि राइटिंग का ऑर्डर क्या था. और ये चीज़ पता करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि राइटिंग में ओवरलैपिंग जो है वो मैक्सिमम टाइम्स या मोर देन 2 to 3 times हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी बेसिक होती हैं ऑर्डर ऑफ राइटिंग को डिटरमाइन करने के लिए. मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये इतना लिखा हुआ था, अब अगर इसमें किसी को कुछ ऐड ऑन करना है, तो अब इसमें मान लीजिए इसी को मैंने कंटिन्यू किया, तो कंटिन्यू करने में क्या हुआ, ये जो F का ये वाला पोर्शन था इसने Y का जो एंडिंग पोर्शन था उसके साथ में ओवरलैप किया. ठीक है, और ये दोनों काम जो हैं एक टाइम पर नहीं हुए हैं, अलग अलग टाइम पर हुए हैं, तो उस कंडीशन में ये जो आपकी स्ट्रोक्स की ओवरलैपिंग होती है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके, इसको एनालिसिस करके ऑर्डर ऑफ राइटिंग को फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है, तो ये तो हो गया ऐसे कुछ बेसिक से पॉइंट्स, और अभी हम आगे मूव करते हैं. सो बेसिकली यहाँ पर कुछ आपके बेसिक से पॉइंट्स होते हैं जिसका यूज़ करते हुए आप सीक्वेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, जो राइटिंग का सीक्वेंस है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यहाँ पर क्या रहता है, द इंक विल स्प्रेड फ्रॉम द न्यू लाइन टू द ओल्ड लाइन. सो यहाँ पर कहते हैं जब आप कोई डॉक्यूमेंट आपके पास पहले का लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, 10 rupees लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसमें आपको कुछ ऐड ऑन करना है, तो उस कंडीशन में सपोज करिए आपको इस 10 को 100 बनाना है. अब यहाँ पर जो आपका 10 का ज़ीरो है और जो रुपीज़ लिखा हुआ है, इसके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग में आप एक और ज़ीरो को ऐड ऑन करेंगे, तो अब इसमें होगा क्या कि ये जो आपका एडिशन किया गया है ये उसी टाइम पर किया नहीं गया है, ये तो बाद में किया गया है. तो उस कंडीशन में यहाँ पर एक तो ओवरलैपिंग आपको दिख सकती है कि जब आपने लिखा था बाद में, तो बाद में जिस इंक से लिखा गया था वो इंक की स्प्रेडिंग जो पहली वाली इंक थी उसके साथ में हो जाती है, तो वो आपका आपका एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग दिखती है. ठीक है, तो ये स्प्रेडिंग आपको देखने को मिल सकती है. उसके अलावा जब इस तरह की चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ पर कई बार कह रहते हैं कि जो पेन यूज़ होते हैं वो अलग अलग यूज़ होते हैं, और कई बार सेम ही पेन का यूज़ करते हुए लिखा जाता है. तो अगर अलग अलग पेन यूज़ हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में इंक का कलर आप देखकर बहुत आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसके अलावा अगर सेम ही इंक यूज़ हो रही है, सेम ही पेन यूज़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में एक तो आपको जो न्यूमरल्स के एनालिसिस करनी होती है वो आपको करनी पड़ेगी, जो आपका ज़ीरो बना है उसकी डायमेंशन आपको लेनी पड़ेगी, और फिर आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा. उसके अलावा जो आपकी इंक रहती है, तो आपको इंक की डेटिंग करनी होती है, मतलब आपको इंक का एनालिसिस करनी होती है, उसका एज डिटरमिनेशन करके. वो कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो इतना हो गया. उसके अलावा द पेन मे हैव क्रिएटेड अ फरो लाइक रिटन लाइन, द अपर लाइन मे शो कंटिन्यूटी वाइल द लोअर लाइन शोज डिसकंटिन्यूटी. सो यहाँ पर क्या रहता है, जब आप पेन से लिखते हैं तो पेन में कुछ फरो लाइक लाइन्स बन जाती हैं, तो जब आप उसमें अपर साइड में जाते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, लेकिन जब आप नीचे साइड में आते हैं तो वो आपकी डिसकंटिन्यू हो जाती है. तो जब ये चीज़ आपकी अलग अलग टाइम पे लिखे हुए टेक्स्ट में देखने को मिलेगा, तो आपको आराम से समझ में आ जाता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपका फ्लो एक जैसा बना रहता है, तो उस कंडीशन में जो आपकी कंटिन्यूटी होगी वो आपको इक्वल देखने को मिलेगी, लेकिन जब आपकी अलग अलग टाइम पर लिखा गया है, तो उस टाइम पर दूसरे इंडिविजुअल ने लिखा है, तो वो चीज़ आपकी अलग हो जाती है.
ठीक है, तो इतना तो हो गया और अभी हम आगे मूव करते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके जब आप किसी पेन से लिखते हैं किसी सरफेस पर, तो उस सरफेस पर जो आपके पेपर के फाइबर्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं पेन की निब की वजह से। अगर आपकी पेन की जो निब है वो डिफेक्टिव है, उस कंडीशन में क्या होता है, द फाइबर अलॉन्ग द राइटिंग लाइन्स गेट डिस्टर्ब्ड इफ़ पेन निब्स आर डिफेक्टिव। द डिस्टर्बेंस ऑफ द फाइबर मे इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक्स। तो इस तरह से अगर फाइबर का जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी हेल्प से आप सीक्वेंस के स्ट्रोक्स को बहुत आराम से पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ आपका इस तरह से लिखा हुआ था, इतना ही लिखा हुआ था, लेकिन बाद में किसी दूसरे इंडिविजुअल ने इसमें और आगे ऐड ऑन कर दिया। अब ऐड ऑन करने में उसने किया क्या, उसने ये सोचा कि साथ में लिंक करके एक दूसरे से लिख देते हैं ताकि ये पता ना चले कि किसी ने बाद में ऐड ऑन किया है। तो अब उसने गलती क्या करी कि उसने जो पहले से लिखा हुआ था उसके साथ में उसने लिख लिया, उसको साथ में कंटिन्यू उसने किया। तो उस कंडीशन में हुआ क्या, या तो ये हो सकता है कि पेन दोनों ने अलग अलग यूज़ करे हो, तो उस कंडीशन में आपके पेन का कलर का समझ में आ जाएगा। उसके अलावा पेन की निब अगर अलग अलग होती है तो उसका आपको चेंजेस नज़र आएंगे। साथ में जब आप किसी पेन से लिखते हैं तो पेन की जो निब होती है वो पेपर के जो फाइबर्स होते हैं उसको डिस्टर्ब करती है। और अगर किसी इंडिविजुअल ने मान लीजिए ये लिखा था और यहीं पे इसको एंड कर दिया था, तो यहाँ पर आपको फाइनल स्ट्रोक नज़र आएगा आपकी राइटिंग में भी, और जो आपके पेन के फाइबर्स होंगे उसमें जो डिस्टर्बेंस होगी वहाँ पर भी आपको पेन के फाइनल्स बहुत परफेक्टली नज़र आएंगे। लेकिन यहीं पर जब किसी ने इसी को कंटिन्यू किया है तो उस कंडीशन में पेन के फाइबर की जो आपकी डिस्टर्बेंस रहती है वो अलग अलग तरह की हो जाती है। तो ये चीज़ एक सस्पेक्शन कॉज करती है कि दोनों ही चीज़ें सेम टाइम पर और एक ही कंटिन्यूटी में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ राइटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वाला पहले लिखा गया था और कौन सा वाला बाद में लिखा गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या रहता है कि जब एक टाइम के बाद में इंक का जो कलर होता है वो धीरे धीरे से उसमें ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से कलर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अब जब बहुत टाइम के बाद उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं तब आप जब उसका इंक का एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ था वो कौन सा है और जो टेक्स्ट बाद में उसमें ऐड ऑन किया गया है वो कौन सा है। तो यहाँ पर बेसिक की पॉइंट ये है कि अगर पहले वाली लाइन का पहले वाला जो टेक्स्ट था उसके साथ में अगर ओवरलैपिंग स्ट्रोक बन रहे हैं जो नया लिखा गया है, तो उस कंडीशन में आप ऑर्डर ऑफ राइटिंग को बहुत आराम से पता कर सकते हैं। इसके लिए कई बार आपके लिए जो आपके माइक्रोस्कोप्स होते हैं अलग अलग वैरायटी के, वो आपको बहुत बार हेल्प कर देते हैं। क्योंकि उसमें होता क्या है कि जब आपके स्ट्रोक्स जो रहते हैं वो ओवरलैप करते हैं, तो जिस जगह पे ओवरलैप करते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन को जब आप माइक्रोस्कोप पर यूज़ करते हुए देखते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल जाती है। तो माइक्रोस्कोप इसके लिए बहुत हेल्पफुल रोल प्ले कर जाते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, तो इसमें बोला गया है द इंक राइटिंग ओवर द फोल्ड्स इन अ पेपर मे ऑल्सो बी रेडिली परसीव्ड बाई द मैनर इन विच द इंक रन्स लेटरली इन टू द ब्रोकन पेपर फाइबर्स। नो सच इफेक्ट इज अपेरेंट वेन द पेपर इज फोल्डेड आफ्टर द राइटिंग इज मेड। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसा आपका मान लीजिए आपके पास कोई पेपर था, आपने उस पेपर में बहुत सारे मान लीजिए आपने उसमें फोल्ड्स डाले या फिर आपने उस पेपर को बिल्कुल क्रश कर दिया। ठीक है, तो अब उसके उससे हुआ क्या, जब आपने बहुत सारे उस पर फोल्ड्स डाले थे उसको क्रश किया था, तो उस कंडीशन में जो पेपर के फाइबर्स थे वो पहले से डैमेज हो चुके थे। अब आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको उस टेक्स्ट पे उसी पेज पर अर्जेंटली कुछ लिखना है और आपके पास कोई दूसरा पेपर नहीं था, तो आपने उसी पेपर को वापस से ठीक करके प्लेन करके आपने वापस से उस पर लिखा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो पेपर के फाइबर्स थे वो पहले से आपके क्रश हो चुके थे, वो डिस्टर्ब हो चुके थे, लेकिन बाद में जब आपने उसके ऊपर पेन से लिखा तो पेन की डिस्टर्बेंस सेकेंड टाइम हुई। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत आराम से चेक कर सकते हैं क्योंकि आपके जो पेपर के फाइबर्स हैं वो पहले डिस्टर्ब हुए हैं या बाद में डिस्टर्ब हुए हैं। अगर आपका बाद में राइटिंग लिखी गई है पेपर को क्रश करने के बाद में, तो वो आपको बहुत आराम से पता चल सकता है। लेकिन यहीं पर अगर आपके जो राइटिंग है वो पहले की लिखी हुई है उसके बाद में आपने पेपर को क्रश किया है, पेपर में फोल्ड्स डाले हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके जो पेपर के फाइबर्स थे वो बाद में बने, राइटिंग के पहले से बन चुके थे। तो ये जो आपका सीक्वेंस होता है आप इसको भी बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर ज़रूरत होती है क्लोज एग्जामिनेशन की,
बहुत क्लोजली एग्जामिनेशन करेंगे, माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और कई बार तो आप नेकेड आई से भी आराम से पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ पहले लिखी गई है, कौन सी चीज़ बाद में हुआ है, कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है, क्योंकि बेसिक आपका नॉर्मल वही चीज़ें रहती हैं, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर आपका पेपर पहले से क्रश है या बाद में क्रश है, लिखने के बाद किया गया है, लिखने से पहले किया गया है, तो ये चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी वजह से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया और अभी हम आगे मूव करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है बेसिकली। सो इसमें क्या है कि अगर कोई टेक्स्ट पेंसिल के हेल्प से लिखा गया है, तो पेंसिल में भी सेम वही चीज़ फॉलो करेंगे आप, कि अगर दो पेंसिल्स की लाइन अगर क्रॉस हो रही है, मतलब दो पेंसिल से लिखा हुआ जो भी टेक्स्ट है उसके जो स्ट्रोक्स हो रहे हैं उसमें ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब कि मान लीजिए पहले कुछ आपने इस तरह से लिखा था, ये आपका पहला लिखा हुआ था, इसके बाद में आपने इसी में आपने कुछ ऐड ऑन किया, तो अब यहाँ पर ये आपका पहला वाला था और ये आपने बाद में लिखा, तो ये वाले जो पर्टिकुलर आपकी ये जो पोजीशन होती है, तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट रहती है, मतलब कि जो आपकी पेंसिल है तो उसका पेंसिल का जो मेन टेक्सचर होता है वो आपका ग्रेफाइट होता है, तो वहाँ पर आपकी ग्रेफाइट की डिस्टरबेंस नज़र आएगी। अलग अलग पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अलग अलग ग्रेफाइट का कॉम्पोजिशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। और यहाँ पर आपके सुपर इम्पोजिशन वाले न्यू मार्क्स भी नज़र आएंगे, और ये सुपर इम्पोजिशन वाला सिमिलर चीज़ आपकी इंक वाले कंडीशन में भी फॉलो होगी। इंक वाले में भी अगर आपका इस तरह से कुछ ओवरलैपिंग हो रही है तो वहाँ पर भी आपकी इंक की स्प्रेडिंग भी देखने को मिलेगी। साथ में इसको सुपर इम्पोजिशन की टेक्निक फॉलो करेंगे तो उससे भी आप इसको बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, कुछ टेक्निक्स थी जिसका यूज़ करते हुए आप ऑर्डर ऑफ राइटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा टेक्स्ट पहले लिखा गया है और उसमें क्या चीज़ बाद में ऐड ऑन करी गई है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसका आपको जब भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन करना होता है तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी की सारी PDFs अवेलेबल होती हैं। साथ में हमारे फेसबुक और इंस्टा को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट करिएगा। वहाँ पर मोर देन 300 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो कि आपकी नेट की प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प देंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।